मैं मानता हूँ कि मुसलमान भी हिंदू होते होंगे, लेकिन मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। अंग्रेज ने कहा कि गांधी कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं और डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो बात तो जरूर कोई ना कोई घटना है, तो क्या किया जाए। बाबा साहब ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा, सोचा कभी एक कमेटी बना दो और जांच करवाते हैं कि गांधी ठीक हैं या डॉक्टर अम्बेडकर ठीक हैं। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर साइमन। अपने बच्चों में वो संस्कार, वो मिशन के संस्कार, वो बहुजन महापुरुषों के संस्कार हमें भरने हैं, तभी हम बहुजन महापुरुषों की कहानी को याद रख पाएंगे, तभी हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को रख पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उसकी कोई पहचान नहीं होती, इसलिए जितना समय आप दे सकते हैं देने का काम करें, क्योंकि आप उत्सव मनाने आए हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां भाई शशिभूषण जी के लिए। आओ मिलकर करें गुणगान बाबा भीम का, प्रेम हम पे चढ़ रहा एहसान बाबा भीम का, के आशा में जीवन गया कुछ दे न पाया ईश्वर, साक्षात हम बहु दे गए अम्बेडकर। तो कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत बाबा हुए, बहुत संत ऋषि हुए, लेकिन जब उनको देखा तो बाबा से बढ़कर कोई ना हुआ, और वो हमारे बाबा साहब थे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। और कैसे बाबा साहब थे वो, इकलौते पूरी दुनिया में इकलौते, कैसे ध्रुव तारे की तरह चमके चमाचम विश्व में, ध्रुव तारे की तरह चमके चमाचम विश्व में, विधि प्रेरणा देश के, विधि प्रेरणा देश के, अपमान थे बाबा मेरे,
जितने भी धर्म ग्रंथ हैं महाभारत में द्रौपदी का चिन्ह है, रामायण में सुपर्णखा की नाक, और तो और सीता को ही वत्सलन, और रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है ढोर गवाल पशु शूद्र नारी ये सब दाढ़ों के अधिकार। तुलसीदास कहता है कि नारी नरक का द्वार है, और सभी ने सब कुछ कहा है। नारी के अपमान का सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं नारी के अपमान से। लेकिन जब बाबा साहब विदेश में पढ़ते थे और वो देखते थे कि वहां की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बस ट्रेन चलाती हैं, तो बाबा साहब सोचते थे कि मैं भी अपने देश में जाकर महिलाओं की आजादी के लिए विगुल बजाऊंगा और वहां की महिलाओं को शिक्षा की आजादी दूंगा, तो मेरे देश की महिलाएं भी शिक्षा में आगे बढ़ेंगी। तो बाबा साहब ही केवल आपके मसीहा हैं, आपके अलावा बाबा साहब के अलावा आपका कोई मसीहा नहीं है। कहा है नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से, नारी को मुक्ति दिलाई पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। जब विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की कमर टूट गई, फिर उन्होंने एक घोषणा की कि मैं जिन देशों से हमें पैसा आता है हम उन देशों पर राज करेंगे, और जहां हमारा पैसा लगता है हम वहां राज नहीं करेंगे, उन देशों को आजाद करेंगे। और जब ये खबर बाबा साहब को लगी तो बाबा साहब ने कहा, सोचा कि अब अंग्रेज भारत को भी छोड़ना चाहेंगे, और भारत को छोड़ना चाहेंगे तो वो लौट कर आ जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने लंदन की पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे मिले और अपनी बात गोलमेज सम्मेलन तक रखने की कोशिश की, और मौका ये हुआ कि बाबा साहब ने बात रखी अपनी गोलमेज सम्मेलन में। अंग्रेजों ने भी घोषणा कर दी कि हम भारत को भी आजाद करेंगे, वहां हम शासन नहीं करेंगे। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि आप देश तो आजाद कर रहे हैं लेकिन हमें आजाद कब करोगे। तो जब ये बात नेहरू गांधी कंपनी को बात पता लगी तो गांधी जी भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागे भागे गए और कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, अछूतों का मसीहा तो मैं हूं, मैं अछूतों के लिए काम कर रहा हूं, अछूतों के पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, इसलिए मैं भी नंगा रह रहा हूं, मैं भी कपड़े नहीं पहनता हूं। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में हम दोहरे गुलाम हैं, यहाँ के जो स्वर्ण लोग हैं वो तुम्हारे गुलाम हैं और उनके हम गुलाम हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम सब हिंदू हैं, हमारे सब भाई हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि ये सब हिंदू होंगे, मैं मानता हूं कि मुसलमान भी हिंदू होते होंगे, लेकिन मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं।
अंग्रेज ने कहा कि गांधी कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं और डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो बात तो जरूर कोई ना कोई घटना है, तो क्या किया जाए। बाबा साहब ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा, सोचा कभी एक कमेटी बना दो और जांच करवाते हैं कि गांधी ठीक हैं या डॉक्टर अम्बेडकर ठीक हैं। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर साइमन। साइमन एक कमीशन बनाकर भारत भेजा। तो लाला लाजपत राय ने लोगों से कहा कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है, उसे यहां से भागना चाहिए, वो भारत नहीं आना चाहिए। जबकि साइमन कमीशन आपकी स्थिति देखने भारत में आ रहा था। तो कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर भगत सिंह से भी ये कहा कि भगत सिंह तुम बहुत क्रांतिकारी बनते हो, मारने की बात करते हो, साइमन कमीशन आ रहा है, मार दो उसे। लेकिन भगत सिंह एक बात जानते थे, वो ये जरूर जानते थे कि यहाँ कुत्ते का सम्मान हो जाता है लेकिन अछूतों का नहीं होता है, और साइमन कमीशन भारत में अछूतों की स्थिति देखने आ रहा है। तो भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं साइमन कमीशन और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हूँ। पूरे भारत में गो बैक साइमन कमीशन लगा, लेकिन पंजाब की धरती से सर छोटू राम, सर सिकंदर हयात खान, सर फजले हुसैन, इन तीनों ने मिलकर अपने प्रदेश यानी पंजाब में, उस वक्त पंजाब हरियाणा एक हुआ करता था, दिल्ली में जो आज नरेला है यहाँ तक पंजाब हुआ करता था, हरियाणा नहीं हुआ करता था, और एक अलग राज्य था, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते थे वो सर सिकंदर हयात हुआ करते थे। तो सर सिकंदर हयात खान और फजले हुसैन और छोटू राम ने घोषणा की और बाबा साहब का साथ देते हुए कहा कि हम साइमन कमीशन का स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। बाकी लाला लाजपत राय, गांधी एंड कंपनी ने सबने विरोध किया। और जब साइमन कमीशन यहाँ आया तो बाबा साहब ने उन्हें जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए कहा, और जब वो गए तो बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर साइमन, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं लेकिन इस मंदिर में आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अछूत हूं। और हुआ ये कि बाबा साहब को गेट पर रोक दिया गया और साइमन कमीशन जगन्नाथपुरी के सारे मंदिर में घूम आए, और जब घूम आए और देख लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते और मैं चला गया, तो उन्होंने लंदन में जाकर अंग्रेजों से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ठीक हैं और गांधी नालायक मक्कार है, ये झूठ बोल रहा है। तो बाबा साहब ने अपनी बात इस बात पर साबित की थी कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है, और बाबा साहब इस बात को जीते, और बाबा साहब ने ये बात साबित की कि बाबा साहब और बाबा साहब के लोग हिंदू, और बाबा साहब के लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं। मूर्ख कौन, बाबा साहब या आप? मूर्ख वो जो बाबा साहब की खाकर कहते हैं कि हम हैं हिंदू, हम बचाएंगे हिंदू धर्म को, और बाबा साहब उनके लिए कह रहे थे कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है। इस बात को समझो, आपका मसीहा कह रहा था कि आप और मैं हिंदू नहीं हैं। अगर आप उस वक्त हिंदू हो जाते तो आज आपके तन पर कपड़े नहीं होते, क्योंकि आप उस वक्त बाबा साहब के वंशज थे, तो बाबा साहब ने आपको कपड़े दिला दिए, और कपड़े मिल गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़े हिंदू हम हैं, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं है, तो इसलिए आप हिंदू नहीं है। जब ये बात सिद्ध हो गई तो बाबा साहब के लोगों को दो वोट का अधिकार मिला, दो वोट का अधिकार मिला, बाबा साहब भारत आए खुशी खुशी। लेकिन गांधी यरवदा की जेल में अनशन पर बैठ गया कि इन लोगों को दो वोट का अधिकार नहीं दूंगा। अनशन चलता रहा, गांधी मरने को तैयार, हमारी बस्तियां जलाई जाने लगी, उधर बाबा साहब भी अड़े रहे। बाबा साहब ने कहा मर जाऊंगा पर ये पद दो वोट का अधिकार नहीं छोड़ूंगा, यानी कम्युनल वार्ड नहीं छोड़ूंगा। हमारे लोगों की बस्तियां जलाई जाने लगी, लोग बाबा साहब के पास जाने लगे, धमकियां देने लगे, बाबा साहब से लोग कहने लगे कि बाबा साहब जब आपके लोग रहेंगे ही नहीं तो दो वोट किसके लिए रहेंगी। तो बाबा साहब और उनके साथियों ने सलाह मिलाई और बाबा साहब ने निराश होते हुए कहा कि ठीक है, गांधी के साथ समझौता करते हैं। तो लोगों ने सुना है, कहा जाता है कि कस्तूरबा से कहा कि कस्तूरबा हो सकता है कि बाबा साहब तेरी बात मान ले, तू अपने पति के प्राणों की भीख मांग बाबा साहब से, जाकर बोल के बाबा साहब आप तो महिलाओं की बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं भी तो महिला हूं,
मेरी मांग का सिंदूर क्यों जाड़ रहे हो? कस्तूरबा जाती है बाबा साहब से, कहती है कि बाबा साहब आप महिलाओं की बात करते हैं और मैं भी महिला हूँ, तो आप दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं? बाबा साहब ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करता। कह तो बाबा साहब मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरी मांग का तो सिंदूर उजड़ जाएगा। तो बाबा साहब ने बहुत विचार विमर्श किया, बहुत निराश हुए, रोए भी, तब जाकर पूना पैक्ट पर समझौता किया और हमें एक वोट का अधिकार मिला और वहीं से कम्युनल अवार्ड की जगह आरक्षण की उत्पत्ति हुई और आरक्षण में ये सब प्रावधान हुआ। तो आगे लिखा है प्रेमी जी ने, कस्तूरबा की मांग का सिंदूर ना मिटने दिया, कस्तूरबा की मांग का पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। दिसंबर 1927 नोएडा के लोग धम्म उत्सव मनाते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं। कौन कौन लोग गए उस उत्सव में, हाथ उठा के बताएं। देखो रोरावासी गए हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बॉम्बे में बाबा साहब अपने ब्राह्मण साथियों के साथ कह रहे थे कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिला और शूद्रों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, अगर वो इकट्ठा कर लेते हैं तो राजा को हक है कि उनकी संपत्ति छीन ले और उन्हें सजा दे। तो बाबा साहब पुस्तक फाड़ते हैं और कहते हैं भी करो स्वाहा। तो बाबा साहब एक एक पेज फाड़ रहे हैं, अपने ब्राह्मण साथियों को दे रहे हैं और वो आग के हवाले कर रहे हैं। तो प्रेमी जी लिखते हैं, असमानता की पुस्तक कर दी हवाले आग के, पुस्तके कर दी हवाले आग के, भौंगियों की राह में, भौंगियों की राह में पासान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ध्यान थे बाबा मेरे। करके दिखाया और जो करके दिखाया उसके लिए कभी कहा नहीं। लोगों ने बहुत धमकियां दी। जो बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन को जा रहे थे तो चिट्ठियां लिखी कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर आप लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गए तो आपको मार देंगे, आपके घर जला देंगे। लेकिन बाबा साहब झुके नहीं, डरे नहीं। तो कहा है, झुकना कभी सीखा नहीं चुनौतियों के सामने, झुकना कभी सीखा नहीं चुनौतियों के सामने, अपने नियम सिद्धांत
की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। इधर बच्चों में भी कौन मुझे बाबा साहब के बच्चों के नाम बताएगा, हाथ उठाकर बता दो, हाथ उठाओ कोई भी जो बाबा साहब के बच्चों के नाम जानता हो। हैं, माइक देना जरा बहन जी को दे दीजिए, बताइए इधर आके बताइए थोड़ा सा बाबा साहब के बच्चों के नाम। इधर जेंट्सों में बताए कोई, चलिए मैं बताता हूं फिर याद करना फिर बताना। नहीं आप नहीं, आप अलग जगह बैठे। रमेश, गंगाधर, बेटी इंदु और एक बेटा और था, वकील साहब नाम राजरतन। आए राजरतन का बहुत जिक्र करते हैं वकील साहब, इसलिए सबसे प्यारा बेटा था, प्यारा बेटा था बाबा साहब को। बाबा साहब कहते थे माता रमा से के रमा, एक दिन राजरत्न इस देश पे राज करेगा। और बेटी का नाम कौन बताएगा, हाथ उठा के बताओ मुझे क्या नाम था। इंदु, चार बच्चे थे बाबा साहब के, किस किस को पता चला हाथ उठा के बताओ मुझे, पता चल गया। राजरत्न, गंगाधर, रमेश और बेटी इंदु, ये वो बच्चे हैं जो आज यहाँ ये सब बैठे हैं। ये इंदु बैठी हैं, इधर गंगाधर, रमेश, राजरत्न बैठे हुए हैं, ये बच्चे नहीं रहे। बाबा साहब इन्हीं में हमको देखते हैं। जब राजरत्न एक्सपायर हो गया, उसकी सांस नहीं रही, तो माता रमाबाई रोकर कह रही थी कि बाबा साहब आप तो कहते थे कि राजरत्न एक दिन इस देश पे राज करेगा, राजरत्न तो रहा ही नहीं, तो मर गया, और वो भी बीमारी पैसे के अभाव में मर गया, तो कैसे राज करेंगे। तो बाबा साहब ने रोते हुए माता रमाई से कहा था कि रामू तू एक दिन देखना, ये राजरत्न चला गया तो क्या, मेरे बहुत सारे राजरत्न एक दिन इस देश पे राज करेंगे, और आज वो राजरत्न आप ही लोग हो। तो बाबा साहब कोई बाबा साहब ऐसे नहीं बनता है, चार चार बच्चे मारने पड़ते हैं, गंवाने पड़ते हैं। तो प्रेम जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, कहा है संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में, ठान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे।
अंध ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे राज पुरुषों की नजर में ध्यान थे बाबा मेरे संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे राज पुरुषों की नजर में ध्यान थे बाबा मेरे ध्यान थे बाबा मेरे ध्यान थे बाबा मेरे ध्यान थे बाबा मेरे ज्ञान थे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतर रह गया था फिर कभी सुनाऊंगा ज्यादा बड़ा हो जाता। प्रेमी जी ने बड़े अच्छे अच्छे अंतर इसके लिखे। अभी एक दो अंतर रह गए थे फिर कभी सुनाएंगे इसके। एक बार बाबा साहब